मध्य प्रदेश के सीधी जिले से इसमें एक खबर आ रही है। ग्रामीण सद्भावना समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय कुमार नरेंद्र सिंह स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ में पहुंचे जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस कप्तान वहीं मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी एवं खेल प्रेमी। देखें पूरी खास रिपोर्ट सिहावल से राजभोर केवट के साथ। हमारी भी यही इच्छा है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से हमारे देश में पार्टिसिपेट करें। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग पथरौला के पास एक गांव में गए थे। बहुत अच्छी टीम है, वहां भी खेल रहे थे दादर में, तो बहुत अच्छा टीम और बहुत अच्छे मतलब खेल रहे थे लोग। तो इस तरह की भावना, खेल भावना हमें जोड़ने के लिए है। अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, हमारा अलग अलग राय हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन खेल के माध्यम से हम एक होते हैं। ये तो समन्वय का चीज़ है, ये हमें एकजुटता सिखाता है, हमें आपस में सहनशीलता दिखाता है, हमें एक टीम के रूप में काम करना सिखाता है कि अकेले हम नहीं हरा सकते, वो हराने के लिए भी पूरी टीम चाहिए। ये कोई बहुत अच्छा हो सकते हैं, लेकिन अगर हराना है तो ये सभी को बेहतर बनना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा लेसन है, जीवन के लिए लेसन है। बहुत कुछ अभी कहा है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस क्रम को बनाए रखा है और यहाँ इस अंचल में जो खेल की जो भावना है उसे बनाए रखा है और ऐसी टीमें हमारी आगे निकली। अन्य खेलों में भी हमारे प्रतिभाएँ आगे हैं, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। जो भी टीमें आज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अच्छा, यहाँ के लोग अच्छा खेल देखेंगे और पुनः पिछले सालों से तुलना करते हैं इस बार यह टीम बहुत अच्छी थी, ये प्लेयर बहुत अच्छे थे। तो हम सभी अब खेल का आनंद लें, मेरा राशन का कोई नहीं है। एक बार पुनः आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। खेलों की प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से खेल भावना से खेला जाता है और खेल भावना के चलते हुए कई जीवन के मूल्य हमें सिखाए जाते हैं, उन जीवन के मूल्यों को एक खिलाड़ी की बाती सभी लोग अगर हम उसको आत्मसात करें, उसको अंदर बिठाएं, तो एक अच्छे समाज की रचना की जा सकती है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी खुद खेल देखने आया हूँ, मैं भी एक खेल प्रेमी हूँ और सीधी के खेल विभाग का अध्यक्ष भी हूँ। मैं चाहूंगा कि जो अलग अलग टीमें जो आई है, दिल्ली से टीम आई है, मुंबई से टीम आना बताया गया है, गोरखपुर से है, ग्वालियर से है, हमारे सीधी की भी ऐसी इंटरेस्ट टीम बने और हर तहसील स्तर पे ऐसी टीमें बने, ये मेरी इच्छा है। और क्योंकि हम लोग कानून का पालन कराने वाले लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, न्याय व्यवस्था के अंदर हम अग्रणी रहते हैं, हम चाहते हैं खेलों के माध्यम से कई समाज की बुराइयां को हम दूर कर सकते हैं। नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही है, नशे पे पुलिस विभाग ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, बहुत अच्छा नियंत्रित किया है, क्योंकि एक अच्छा युवा पढ़ लिख के साथ में खेलों में रुचि रखेगा तो नशे से उतना ही दूर जाएगा और एक अच्छा समाज का नागरिक बनेगा। यही मेरी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से यही आप सभी लोगों के लिए मैसेज है और आप सभी लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि खेलों को और अधिक बढ़ावा मिले। हमारे सम्माननीय विधायकगणों की तरफ से जो विधायक निधि से ये खेल के मैदान बनाए गए हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। 21 साल से मुझे बताया गया है कि यहाँ प्रतियोगिताएं रही है, 21 वर्षों से एक सकारात्मक रूप से एक सही समाज का निर्माण करने की दिशा में ये प्रयास है और जो जारी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी आयोजकगण इसमें बधाई के पात्र हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन इसी तरीके से आगे बढ़े ताकि हमारे समाज में खेल भावना से और खेलों से जो शिक्षा मिलती है उसको हम समाज में आगे बढ़ाएं, युवा पीढ़ी को उस दिशा में आगे अग्रसर करें। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरा मैसेज है और हम साथ मिलकर, मुझे पूरा भरोसा है कि इसको हम पूरा अमल में लाएंगे और जिले में हम इस तरीके का एक वातावरण पैदा करेंगे कि खेलों के प्रति भावना सारे खेलों के प्रति हो, उसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सभी तरीकों के खेल के मैदान बने। उस दिशा में हम लोग अपना प्रस्ताव भी बना रहे हैं,
शासन स्तर पर भी कई प्रस्ताव हम भेज रहे हैं यहाँ से, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेलों के आधार अच्छे होंगे और अधिक अच्छे होंगे, और हमारे युवा पीढ़ी का खेलों के प्रति जो रुझान है वो और अधिक बढ़ेगा, और एक अच्छे सकारात्मक एक रचनात्मक समाज निर्माण की तरफ हम बढ़ेंगे। जय हिंद। टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें अभी गोरखपुर और ग्वालियर की टीम पहुंच चुकी है और टीम अभी शाम तक सब पहुंच जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम आप सबका है, आप सबके सहयोग से जिनके कुंवर नरेंद्र सिंह जी की स्मृति में होता है। अभी मार्गपत्र में हमारे राम नारायण सिंह जी डिस्ट्रिक्ट तौर पे गोमडेट में बताएंगे, यह नरेंद्र सिंह जी वॉलीबॉल का प्रतियोगिता में पधारे, हम पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और खिलाड़ियों से ये अपेक्षा करता हूँ खेल भावना के साथ मैदान में अपने प्रतिभा प्रदर्शित करें, और हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा सेवा में कमजोरी नहीं होगी, और समित से अगर कहीं चूक होती है तो आप सब क्षमा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय। चाय हर घूट में स्वाद, डाय सुट्टा बार CSB बैठन सिंगरौली जिले में पहली बार, सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में, फैमिली और कपल्स कैफे पता है बिंदनगर रोड टाइगर इन होटल के सामने बैठन सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।